सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आज टॉपिक है मैनेजमेंट। मैंने जैसा कि आपको बताया था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको कि बीएड के एंट्रेंस में आपका कॉमर्स का क्या क्या पोर्शन है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किन किन सब्जेक्ट को बीएड एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्लूड किया गया है। उन सभी पॉइंट में से हमारा एक सबसे शॉर्ट पॉइंट आज जो कहें वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, किस तरह से ये वर्क करता है, किस तरह से ये फंक्शन करता है, या इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इन पर ही हमें आपको सबसे पहले डिस्कशन करना है। थोड़ा सा जान लेते हैं सबसे पहले कि मैनेजमेंट है क्या। आइए आपके सामने डायग्राम से फंक्शन एंड स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन और स्टेप को जानने से पहले सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं। तो मैनेजमेंट को आप देखेंगे तो मैनेजमेंट कहा जाता है किसी चीज़ को मैनेज करना। मैनेज का मतलब किसी चीज़ को क्या करना है, कौन सा, कब, किस तरीके से किया जाएगा, इन चीज़ों को सोचना ही प्रबंध कहलाता है। मैनेजमेंट आप कहोगे प्रबंध से, तो प्रबंध है किसी भी चीज़ को मैनेज करना। अगर इसका अर्थ देखिए, अलग अलग राइटर्स के थ्रू अलग अलग राइटर्स ने मैनेजमेंट को अलग अलग तरीके से, प्रबंध को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। इनमें कुछ राइटर्स ने कहा है आप जानते हैं प्रबंध के संबंध में हेनरी फेयोल, टेलर्स और क्या बोलते हैं, बहुत सारे राइटर का नाम है जिनमें अगर आप देखा जाए तो इन कुछ राइटर्स के थ्रू कि प्रबंध जो होती है ये नियोजन करने की विधि, या कह सकते हैं प्रबंध में नियोजन या नियंत्रण, समन्वय, संगठन, इन सारी चीज़ों को जोड़ देने से और इन सारे क्रियाओं को एक साथ करना ही प्रबंध है। कुछ लोगों का कहना है कि प्रबंध भविष्य में झांकने की कला है। मतलब प्रबंध करना है क्या, क्यों प्रबंध करते हैं, क्या है ये प्रबंध करना, तो भविष्य में झांकने की कला। भविष्य में झांकने की कला मतलब हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इन सभी बात को अगर हम पहले से ही इन पर विचार कर लें तो यही हमारा प्रबंध होता है। अगर किसी व्यक्ति को प्रबंध करने की आवश्यकता है, प्रबंध कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वो प्रबंध करते समय सबसे पहले किन किन प्रश्नों का हल ढूंढेगा, यही है प्रबंध। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर प्रबंध कर रहा है तो उसे सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसे किस कार्य को किस रूप, कौन सा रूप दिया जाए, कौन से कार्य को किस तरीके से करना है। या फिर अब हम क्योंकि बात बिजनेस मैनेजमेंट की करते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में बिजनेस मैनेजमेंट, तो बिजनेस को मैनेज करने का तरीका, बिजनेस में क्या करना है, हमें किस वस्तु का चयन करना है, कौन से वस्तु की मार्केट में हमारी क्या डिमांड चल रही है, किस वस्तु को सेलेक्ट करके हमें किस वस्तु का, या फिर मैन्युफैक्चर अगर हमें करनी है, अगर हम फैक्ट्री से बिलोंग करते हैं तो हमें किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, क्रय विक्रय करना है तो किस तरीके से क्रय विक्रय करना है, किस क्षेत्र में जाकर क्रय विक्रय करना है, कौन से क्षेत्र का चुनाव करना है, यही सारी समस्याओं का हल ढूंढना, समस्याओं का समाधान प्रबंध कहलाता है। प्रबंध करते समय अच्छा कुछ लोगों ने कहा है कि प्रबंध क्या है, प्रबंध को बताया गया कला और विज्ञान भी बताया गया है कुछ राइटर्स का थ्रू है कि प्रबंध करना किसी में जन्मजात प्रवृत्ति नहीं होती, प्रबंध वही व्यक्ति कर सकता है, शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा ही किया जा सकता है। और कुछ लोग का कहना है कि प्रबंध हमें जन्मजात पहले से ही क्या होती है, हमारे अंदर विद्यमान होती है, बस उसे जांचने पर रखने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो अगर हम देखें कि हमारे अंदर प्रबंध क्या, हम आप पहले से जान रहे होते कि हमारे अंदर मैनेजमेंट है, नहीं है, लेकिन हम आप अपनी लाइफ में हर एक रोज़ सुबह से लेकर शाम तक ना जाने कितनी चीज़ें मैनेज करते हैं। अपनी नॉर्मल लाइफ रूटीन में देखा जाए तो हम सबसे पहले, हमारा सबसे पहला प्रश्न हमारे अपने आप से होता है कि अब हमें आज दिन भर में क्या करना है, हमारा दिन भर का शेड्यूल क्या होगा, दिन भर का हमारा शेड्यूल ही कहलाता है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अभी हमें इस टाइम पर इसको करना है, किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें, इन सारे प्रश्नों का हल आपका मैनेजमेंट हो जाता है। इनके साथ साथ अगर कोई चीज़ें और दिमाग में लगाई जैसे कि सुबह उठकर स्कूलिंग है आपकी, तो आप सुबह उठ के स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर होते हो। स्कूल जाने के लिए आपको क्या कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं, क्या सिस्टमैटिक है, सिस्टम सारे, इन सारे सिस्टम को फेस ऑफ करना मैनेजमेंट है। दूसरी कंडीशन आपकी आ जाती है कि अगर आप देखिए कि अगर बिजनेस की बात की जाए तो वही नॉर्मल फिर से बात आएगी कि आपको किस वस्तु का चयन करना है, कौन सी वस्तु आपको प्रोडक्शन करनी है, या फिर कौन सी वस्तु मार्केट में किस प्रकार से लानी है, इन्हीं सारे सवाल को ढूंढना, इन्हीं सभी प्रश्नों का हल आपका प्रबंध कहलाता है एक तरीके से। और अच्छा कहा जाता है प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है, तो आप मुझे आंसर कर सकते हैं, आप बताइए मुझे कि क्या प्रबंध कला और विज्ञान इज मैनेजमेंट ड्राइंग एंड आर्ट्स, कैसे हो सकता है। कहा जाता है कि प्रबंध कला, कला का मतलब यहाँ पर ड्राइंग से नहीं लीजिएगा, क्योंकि आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो कॉमर्स में कला को एक प्रकृति के रूप में, नेचर के रूप में देखा गया, और नेचर में कला का अर्थ है कि आपकी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग, आप अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, इसी को कला कहा जाता है। अर्थात आपके मस्तिष्क में अगर कोई आपके माइंड में कोई आइडिया, कोई थॉट्स हैं, आप उसको कौन सी रूपरेखा दे सकते हैं, आप अपने थॉट्स को जब डिफरेंट टाइप ऑफ तरीके से आप बताते हैं, दैट इज़ द पावर ऑफ आर्ट्स। आपकी अपनी खुद की टेक्निक्स, आपने देखा होगा अभी आप नॉर्मल छोटे बच्चों को ही ले लीजिए कि वो कुछ अपने माइंड में ही सेटअप लेते हैं, और अगर आप एक ही चीज़, आप ऐसे देखिए क्लासरूम की बात देखिए, एक टीचर एक क्लासरूम में कई सारे बच्चों को पढ़ाता है
और वो अपनी बात उसी प्रकार से सभी बच्चों तक पहुंचाता है, क्योंकि टीचर अलग अलग भाषा में अलग अलग बच्चों को नहीं बताता, वो एक बार में एक ही लैंग्वेज में सभी बच्चों को बताने का प्रयत्न करता है, परंतु उसके द्वारा एक टीचर के द्वारा कही गई सभी बातों को अलग अलग स्टूडेंट के द्वारा अलग अलग तरीके से समझा जाता है। अलग अलग मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि अलग अलग मेथड्स के थ्रू, अलग अलग कहने का मतलब किसी चीज़ किसी स्टूडेंट को वो चीज़ें आसान लगती है, किसी को वो मुश्किल लगती है, किसी को समझ आता है, किसी को समझ नहीं आता, तो किसी को एक बार ही सुनकर याद हो जाता है और किसी किसी को दो चार बार बताने पर भी समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये हमारी बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है, ये हमारी बौद्धिक प्रवृत्ति है कि हमें किस बात को किस तरह से क्लियर कर पाते हैं, हम किसी भी बात को समझने के लिए अपनी कितनी बौद्धिक क्षमता लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अपनी समझी हुई बात को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम उसमें अलग अलग तरीके लगाते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट को आर्ट्स कहा जाता है। कि अगर आप प्रबंध एक अगला व्यक्ति भी करता है, वो व्यक्ति भी जो शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा प्रबंध करता है, और एक वो व्यक्ति भी प्रबंध करता है जिसे प्रबंध का वास्तविक तरीके से देखा जाए तो अर्थ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी वो प्रबंध कर रहा होता है। तो प्रबंध करने का अर्थ इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, अर्थात आर्ट्स एंड साइंस। साइंस क्यों कहा जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो एक सिस्टमैटिक वे में करोगे। अगर आपकी मैनेजमेंट है कि आपको सुबह उठ के पहले स्कूल जाना है, स्कूलिंग करनी है, स्कूलिंग के बाद जो भी वहाँ का ड्यूरेशन है, जो भी टाइम मैनेजमेंट है, उसको कंप्लीट करने के बाद फिर आपको घर आना है, फिर घर पे आपकी क्या स्टडी टाइम होगी और क्या तरीका आपकी स्ट्रेटजी है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप ऐसा तो नहीं कर सकते स्कूल जाने से पहले स्कूल आने के बारे में प्रबंध कर लो। पहले घर से निकलकर स्कूल जाना होगा, तब स्कूल से वापस आना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि पहले वापस आने के बारे में आप प्लान कर लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि चले भी जाते हैं। मतलब एक सिस्टमैटिक वे में पहला स्टेप होगा कि आपको स्कूल जाना है, दूसरा आपका डिसीजन होगा कि वहाँ से फिर टाइमिंग के अकॉर्डिंग वापस आना है। इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक वे है, एक सिस्टम में करने का तरीका। दैट्स वाई कि मैनेजमेंट आपका साइंस होता है, और इसीलिए कला कहा जाता है कि वही काम वही स्टेप कि आपको स्कूल भी जाना है और आपको घर भी आना है, लेकिन उसके दौरान जो आपका समय है आप उसको कितनी अच्छी तरीके से प्रयोग कर लेते हैं, ये कला है। अगर आपका आपकी टाइमिंग मान लीजिए कि आपकी स्कूलिंग टाइमिंग 4 घंटे की हो रही है, इस 4 घंटे के बीच आपको कुछ समय मिल रहा है, एक नॉर्मल व्यक्ति क्या करेगा, अपने समय से स्कूल जाएगा, समय से घर आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें अच्छे से अपने माइंड को यूज़ करते हैं कि आप इस खाली समय को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ये आपके लिए आर्ट्स हो जाता है, और सिस्टमैटिक वे में चलना आपका मैनेजमेंट का साइंटिफिक पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रबंध क्या है, आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि प्रबंध किसे कहते हैं, या फिर प्रबंध क्यों कला विज्ञान होता है, प्रबंध किस तरीके से भविष्य में झांकने की कला है, किस किस प्रश्नों का हल या किस किस समस्याओं का समाधान हम प्रबंध के अंदर ढूंढते हैं। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है प्रबंध करने की। क्या अगर हम मैनेजमेंट नहीं करें तो क्या हमारा कोई काम नहीं हो पाएगा? मैंने जैसे आपको बताया कि एक बच्चा स्कूल जाने के लिए मैनेजमेंट करता है, उसको पता नहीं होता कि वो मैनेजमेंट कर रहा है। खैर आजकल तो सभी बच्चे स्मार्ट हैं, सबको सब पता होता है, लेकिन पहले के टाइम में देखिए मम्मा खुद स्कूल का बैग चेक करती थी, हाँ बुक्स हैं सारे ठीक है आप चले जाओ, हम खुद से मैनेजमेंट नहीं करते थे। आज के बच्चे स्कूल का बैग खुद चेक करते हैं कि हाँ सारी बुक्स वगैरह है कि नहीं है। कहने का मतलब अगर आप मैनेजमेंट नहीं करो तो भी आप अपने काम को पूरा कर सकते हो, तो ज़रूरत ही क्यों पड़ती है हमें मैनेजमेंट करने की, क्यों प्रबंध करने की आवश्यकता पड़ती है? बहुत इजी सी बात है कि अगर हम किसी काम को प्रबंध के द्वारा करते हैं, मतलब पहले से उस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन, थोड़ी थिंक पॉइंट ऑफ व्यू रख लेते हैं, उस बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं, तो एक निश्चित तौर पर हमारा वो कार्य क्या होता है, हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, शायद हमारे समय को बचाए और पैसों को भी बचा सकता है, या फिर उसी काम को उतने ही समय में हम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एक नॉर्मल बात है, फिर से स्टार्ट करते हैं, वही स्टूडेंट्स की बात करते हैं, उसी एग्जांपल पर चलते हैं। एक स्टूडेंट है, उसने 30 मिनट्स की स्टडी करी, 30 मिनट्स आप सब भी करते होंगे, 30 मिनट्स की स्टडी आपने करी, उस 30 मिनट्स में आप पहले अगर आप ये सोच लो कि आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, समय नॉर्मली क्या होता है कि हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक, हाँ ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ पढ़नी है, इसको पढ़ लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं, अरे ये तो मिस हो गया, इसे भी पढ़ना था, ऐसा सोचकर और 30 मिनट निकल जाते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, वो पहले से ही उन्होंने प्लानिंग कर रखी कि उनको ये ही टॉपिक पढ़नी और आज पढ़कर फिनिश कर देना है, देन वो 30 मिनट्स में उसका टारगेट अचीव कर लेते हैं। तो यही है पावर मैनेजमेंट की। अगर आप किसी काम को बिना प्रबंध के करोगे तो भी वो आपका होगा, लेकिन शायद उसमें कठिनाइयां ज्यादा आएंगी, समय ज्यादा लगेगा। अगर वही काम आप प्रबंध के द्वारा करते हो तो ऐसे में आपको समस्याएं थोड़े कम फेस करनी पड़ेंगी। अब इसके साथ ही साथ अगर हम थोड़ी सी बात करें कि प्रबंध करने के लिए हमें करना क्या क्या होता है, हाँ हमें मैनेजमेंट, आपने डिसीजन ले लिया कि अब हम जो भी काम करेंगे मैनेजमेंट के थ्रू ही करेंगे, बिना मैनेजमेंट के आज से कोई काम नहीं करेंगे, तो आपको क्या क्या करना होगा, फंक्शन या स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, क्या तरीका होता है, क्या कार्य होते हैं प्रबंध के। प्रबंध करने के लिए भी बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, जरा उन कार्यों पर थोड़ी नजर डालिए। सबसे पहले मैंने लिख रखा है प्लानिंग, मतलब अगर आपको किसी चीज़ के बारे में प्रबंध, अगर आपको एक अच्छी मैनेजमेंट आप पॉइंट ऑफ व्यू रखनी है तो सबसे पहले आपके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्लानिंग क्वालिटी, अर्थात योजना बनाने की क्षमता। पहले तो
कहते हैं ना कि किसी टारगेट को अचीव करने के लिए जब तक आपके पास प्लानिंग नहीं है आप टारगेट अचीव नहीं कर सकते। तो टारगेट को अचीव करने के लिए आपके पहले सबसे पहले आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, और जैसे ही प्लानिंग का मतलब ही होता है आपके समस्याओं के समाधान का हल ढूंढना, समस्याओं का समाधान ढूंढना, मतलब आपकी वो समस्या कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इन सभी तरह के प्रश्नों का हल ढूंढ लेना ही क्या होता है, योजना कहलाता है। प्लानिंग के अंतर्गत आप करते क्या है, इन सभी भावी प्रश्नों के हल ढूंढ लेते हैं। प्लानिंग के बाद आपकी थोड़ी सी जरूरत पड़ती है डिसीजन लेने की। अभी इसको एक एग्जांपल पर भी क्लियर करेंगे, पहले सबके बारे में समझ लेते हैं। डिसीजन करने की, डिसीजन लेने का मतलब आपके पास ऑप्शन आते हैं। जब आप समझते हो कि आपको क्या करना है, आपने एक सोल्यूशन ढूंढा, एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढा कि आपको क्या करना है, हो सकता हो आपको आंसर मिल गया हो कि आपको क्या करना है, लेकिन कई सारी चीज़ एक साथ मिल गई हो। अब उनमें आपको पहले चूज करना पड़ेगा कि इन सारे काम तो बहुत सारे मिल गए हैं, लेकिन उन कार्यों में से कौन सा कार्य लेकर अब आपको आगे स्टेप को कैरी ऑन करना है या फिर आगे फॉरवर्ड करना है, तो फिर वहाँ पर आपको निर्णय की आवश्यकता पड़ती है। डिसीजन लेने के साथ ही, जैसे ही आपने इस बात की डिसीजन ले ली कि हाँ आपने योजना बना ली, योजना बनाने के साथ आपने क्या किया, डिसीजन निर्णय भी ले लिया कि हाँ ये काम को इस प्रकार से इस तरीके से करना है, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसे कहते हो आप संगठन। संगठन मतलब उस कार्य को करने के लिए जिन जिन लोगों की आवश्यकता है उन लोगों को एकत्रित करना। संगठन व्यक्तियों के समूह को भी आप समझ सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन कलेक्ट होते हैं, ये नंबर ऑफ पर्सन किस उद्देश्य से कलेक्ट होते हैं कि किन कार्यों को किसके द्वारा किया जाना है, यही आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपकी तीसरे स्टेप होते हैं संगठन। ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या करते हो, वही डिसीजन जो आपने लिया है उसको पूरा करने के लिए या अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन व्यक्तियों का समूह बनाते हो। इसके साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन, व्यक्तियों का समूह तो हो जाए लेकिन उनमें समन्वय ना हो। बिना समन्वय, कहते हैं कि समन्वय के अभाव में प्रबंध पॉसिबल नहीं है। तो इसके कहने का मतलब है समन्वय के संबंध में, समन्वय क्या है आपका, समन्वय के लिए आपको बहुत, अभी जैसे आपको बताई जाए कि तीन अलग कैटेगरी के लोगों को बैठा दिया जाए, लड़कियों का एग्जांपल ले लीजिए, कहा जाता है जहाँ दो तीन लड़कियाँ हो जाएं वो शांत नहीं रह सकती, और अगर अलग कैटेगरी की हों मतलब अलग प्रायोरिटी देती हों। अभी स्टूडेंट्स को ही ले लेते हैं, कुछ साइंस के स्टूडेंट को बिठा दीजिए, कुछ कॉमर्स वाले बैठ जाएं, उसी में कुछ आर्ट्स के भी हो जाएं, ठीक है, इनके सबके अपने अलग सब्जेक्ट और सबका अलग सब्जेक्ट पर कमांड है। जब ये अपनी बातों को किसी पॉइंट ऑफ व्यू पर रखेंगे ना तो इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़े थोड़े अंतर मिलेंगे आपको, कॉमन सी बात है, जनरल बातें मिलनी ही मिलेंगे ही, क्योंकि इन सब की ज्ञान जो है, इन सब का जो नॉलेज है वो अलग अलग सेक्टर के लिए, तो इनमें समन्वय कहीं से भी नहीं होगा, ये कहीं भी एक पॉइंट पर आकर एकत्रित नहीं होंगे, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होंगे, तो इन सभी के बीच एक पॉइंट ऑफ व्यू हो इसलिए आपको ज़रूरत पड़ती है कोऑर्डिनेशन की। अब बिजनेस आप कर रहे हो तो बिजनेस में जरूरी नहीं है कि सब एक फील्ड से आए हुए हो, एक ही विचारधारा रखते हो, अगर एक ही फील्ड के भी हैं फिर भी एक ही विचारधारा रखते हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। तो आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए उनमें एक विचारधारा लाना, और वो विचारधारा होती है, वो टारगेट आपका होता है आपका प्रॉफिट या सक्सेस। आपके बिजनेस का एक ही एम होता है सक्सेस या प्रॉफिट, तो आप सभी के बीच इस तरह की समन्वय स्थापित करते हैं, जिस तालमेल स्थापित करते हैं जिससे सभी की विचारधारा या सभी के सोच जो कहते हैं मानसिक क्षमता एक ही साइड परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद आपका जो कंडीशन होता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन आप डायरेक्शन करने के लिए देखिए, कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है, प्लानिंग हो गया, डिसीजन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन भी आपने देख लिया, देन डायरेक्शन आपको फिर बताना पड़ता है, दिशा निर्देश देनी पड़ती है। दिशा निर्देश, अब फिर वही बात आती है कि अलग अलग तरह के लोग हैं तो वो ज़रूर चाहेंगे कि उन्हें अलग अलग प्रायोरिटी दी जाए, तो इसलिए ये काम पहले से ही करना पड़ता है। डायरेक्शन का मतलब दिशा निर्देश, उनको किस व्यक्ति को कौन सा कार्य करना है, किस तरीके से करना है, ये पहले से ही इनका बंटवारा कर देना चाहिए। ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन। इसी से जस्ट आगे बढ़ेंगे, देन है स्टाफिंग, इसको हिंदी में भर्ती कहते हैं। जब ये सारी डिसीजंस आप ले लेते हो उसके बाद आपकी भर्ती या चयन प्रक्रिया पूरी होती है। इसके बाद आपकी भर्ती की पोर्शन आती है, और उसके बाद भर्ती का मतलब व्यक्तियों को चयनित करना, चयनित करके भर्ती करना। पहले सिलेक्शन होती है उसके बाद स्टफिंग होती है ना भर्तियाँ। फिर उसके बाद आपका आता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब ये सारी चीज़ें होने के बाद नियंत्रण होना भी आवश्यक है। और नियंत्रण क्यों, किसी भी व्यवसाय में नियंत्रण का क्या रोल है, कहा जाता है किसी चीज़ की ना तो न्यूनता अच्छी होती है और ना ही अधिकता, अर्थात हर एक स्टेप को, हर एक पॉइंट्स को बैलेंस्ड रखने के लिए आपका एक स्टेप और बढ़ जाता है जिसे आप कंट्रोल कहते हो। तो एक प्रबंधक का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वो प्रत्येक तरह के व्यापारी को या फिर कर्मचारियों को नियंत्रण में रखे। और नियंत्रण का ये मतलब नहीं होता कि आप प्रेशराइज करके रखो, किसी को दबाकर रखो अपने अंडर, नहीं। नियंत्रण का मतलब जिसकी जो पोजीशन हो, जिसका जो कार्य हो, उसको उस कार्य के हिसाब से उनका चीज़ें बांट देना। और अंत में आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वैसे तो पार्ट नहीं है मैनेजमेंट का, लेकिन फिर भी कुछ किताबों में आपको कम्युनिकेशन भी मैनेजमेंट का पार्ट मिलेगा। मतलब एक प्रबंधक को किसके साथ किस तरीके से बात करनी चाहिए। बात कम्युनिकेशन का मतलब होता है सामान्य बोलचाल,
जैसे कहते हैं अपने कहते हैं ना, आप अपने आइडियाज़ को किस तरह से कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। कहा जाता है विचारों का आदान प्रदान ही कहलाता है संचार। तो विचारों का आदान प्रदान इन सेंस, आप जानते हो जब किसी बिजनेस में वर्क होता है तो वहाँ पर तीन कैटेगरीज होती है, जैसे कैटेगरी ए, फिर बी, फिर सी। यहाँ पर अगर आप डायरेक्टर्स को रखते हो तो यहाँ पर आपके एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, और यहाँ पर नॉर्मल इनसे डी ग्रेड, या फिर यहाँ पर मैनेजर आ जाते हैं और यहाँ पर एम्प्लॉय आ जाते हैं। तो ये तीन कैटेगरीज है। अब ये तीन कैटेगरीज में सूचनाओं का आदान प्रदान फ्लो में होना चाहिए। अब आपसे कहा जाए कि कोई भी किसी भी एम्प्लॉय को ये राइट्स दे दिया जाए कि वो जब चाहे तब डायरेक्ट जाके डायरेक्टर से डिस्कशन कर सकता है, बातें कर सकता है, तो आपको लगता है कि ये सही तरीका होना चाहिए? ये बिल्कुल सही स्टेप नहीं है, क्योंकि इनके और इनके बीच अगर मैनेजर है तो इनके और इनके बीच सूचनाओं का आदान प्रदान भी इस व्यक्ति के द्वारा ही होना चाहिए। इसी सारी चीज़ों के लिए कंट्रोल और कम्युनिकेशन जैसी चीज़ों को भी इनमें प्रबंधक के कार्यों में शामिल किया गया है। अब एक सारी बातों को बहुत शॉर्टली मैं क्विक रिवीजन एक छोटे से एग्जांपल के साथ, जैसे अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, प्लानिंग कि आपको किस वस्तु की बिजनेस स्टार्ट करनी है या फिर किस स्थान पर बिजनेस करना है। उसी के साथ साथ आपको एक निर्णय भी लेना है कि आपने जो प्लानिंग करी है उसको एग्जीक्यूट कब, कैसे, कहां से करना है। उसके साथ ही जैसे आपने प्लानिंग कर ली, डिसीजन ले लिया, देन आप ऑर्गेनाइजेशन करते हो, मतलब व्यक्ति एकत्रित करना शुरू करते हो। आप चाहोगे कि कोई छोटा सा ही बिजनेस हम अकेले ही शुरू कर दें तो पॉसिबल नहीं है। इस पर भी बहुत डीप डिस्कशन हो सकता है, क्यों नहीं पॉसिबल है। आप कहोगे नहीं, हम अकेले व्यापार करेंगे, हम कर सकते हैं अकेले व्यापार, नहीं। आपको किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी व्यक्ति की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। आप अपने साथ बिजनेस एम्प्लॉय नहीं रखोगे, लेकिन फिर भी आप किसी ना किसी का रिटेलर के तौर पर या मैन्युफैक्चरर के तौर पर आप किसी ना किसी से कनेक्ट होगे, तो आपका एक समूह जरूर तैयार होता है। इसके साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सारी चीजें हों बट आपके बीच तालमेल ही ना हो, तो ऐसे में इन सारे स्टेप क्या होते हैं, अपने आप वेस्टेज। मतलब समन्वय, आपसी तालमेल होना अनिवार्य है, और तालमेल के साथ ही साथ इन सब का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, इनकी सबकी विशेषता आवश्यकता भी है। लेकिन फिलहाल इन सब का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि ये है क्या और एक प्रबंधक को क्यों आवश्यकता पड़ती है इन सारी चीज़ों को फॉलो करने की। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके साथ हम लोग अगले टॉपिक के साथ आपको फिर मिलेंगे, बीएड के एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल